तो गाइस फाइनली बैंगलोर से एक और कमाल की कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसका नाम है एट व्हील एम्फीबियस आर्मर्ड आरसी कार। आपको पता होगा मेरे पास बहुत सारे एम्फीबियस आरसी कार है, पर उनके अंदर सिर्फ चार व्हील्स लगे हैं, पर ये कार के अंदर देखो गाइस आठ व्हील्स लगे हैं और ये जमीन पे भी चल सकती है और तो और पानी पे भी चल सकती है। आज भाई साहब इसकी खतरनाक तरीके से करेंगे टेस्टिंग। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो बैंगलोर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे खरीद भी सकते हो। इसको तो मैंने काफी सस्ते प्राइस में खरीदाएगा। चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आज इसके साथ फाइट कराने के लिए बहुत सारी एम्फीबियस कार्स मैं लेके आ चुका हूँ, जैसे कि ये एक है, यहाँ पे है और ब्लू कलर की व्हेल भी मैं लेके आ चुका हूँ इसके साथ रेस कराने के लिए। देखते हैं गाइस ये कार कितना फास्ट पानी के ऊपर चल सकती है। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये कार दो कलर्स में मिलती है, ये एक कलर है और ये एक कलर है। मेरे को नहीं लगता गाइस इतनी ज्यादा भारी भरकम कार पानी के ऊपर चलेगी यार, बॉक्स से ही पता चल रहा है कि मेरे को ये कार बहुत ज्यादा वजनदार होने वाली है। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ओ भाई साहब इसका साइज देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा दिया गया है और ये बहुत ज्यादा भारी भरकम भी है। बॉक्स के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया है, मेरे को मिली है ब्लैक कलर की एट व्हील्स आरसी कार और इसके आठ के आठ व्हील्स एक साथ काम भी करते हैं दोस्तों, और ऊपर से ये आर्मर्ड भी है। देखो ये जो ऊपर का शेल है बहुत ज्यादा मजबूत है, मेरे को तो लग रहा है ये कोई मिलिट्री वालों की कार है यार, बहुत ज्यादा स्मूथ है। इस वजह से मेरे को लग रहा है ये पानी के ऊपर ठीक ठाक तरीके से तैरेगी। ओ भाई साहब मैंने तो इतनी कमाल की कार आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी है। नीचे से देखो ये इस तरह की दिखाई दे रही है, यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे इसकी एलईडी इंडिकेटर दिया गया है। ये स्विच से ही पता चल रहा है कि ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ होने वाली है। और क्या क्या चीजें मिली है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, बहुत ही ऑसम रिमोट मिला है। यहाँ पे दो बटन है, यहाँ पे दो बटन है, बीच में एक और बटन है, शायद ये डेमो का बटन मेरे को लग रहा है। ये है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, अभी बैटरी को मैं इसके अंदर डालने वाला हूं। यहां पे इसका नंबर है 62, यहां पे एक्सट्रीम की बैचिंग दी गई है। ओहो यहाँ पे देखो गाइस फैट की भी बैचिंग दी गई है, 8x8 बोल के ये दिया गया है। तो बाकी देखते हैं क्या ये कार सच में 8x8 है भी या फिर नहीं। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम है ब्लेड एम्फीबियस आरसी टैंक। भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक मेरे को लग रही है। अब एक और कमाल की चीज बताने वाला हूँ, ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है गाइस। ये पानी पे भी चल सकती है और जमीन पे भी चल सकती है। इसके व्हील्स का डिजाइन देखो बहुत ही अलग है, सामने के व्हील्स थोड़े से छोटे हैं, पीछे के व्हील्स काफी बड़े साइज के हैं। एक और चीज दिखाता हूँ गाइस, ये देख लो यार ये है एम्फीबियस शार्क। इसके व्हील्स देखो इतने बड़े बड़े दिए गए हैं और इसके व्हील्स अंदर से खोखले हैं ताकि ये पानी के ऊपर चल सके और जमीन पे भी चल सके। और व्हील्स के ऊपर देखो इस तरह का रबर बैंड भी दिया गया है ताकि इसको ग्रिप अच्छे से मिल सके। अब गाइस ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट आरसी व्हेल, भी पानी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से तैर सकती है। तो ये लो इसको मैंने ओपन कर लिया है, इसका डिजाइन देखो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये इसका बेल्ट है, ये पानी के ऊपर बहुत आराम से तैर सकता है। इसका भी वजन बहुत ज्यादा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड मेरे को लगती है। गाइस देखो सभी एम्फीबियस कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब एक एक को करते हैं टेस्ट, देखते हैं इन सब में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे पानी देखो, अभी मैं किनारे पे खड़ा हूँ, पानी यहाँ मेरे घुटनों तक रहा है। अगर मैं इसको आगे तक चलाऊंगा ना गाइस बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पे। चलो गाइस फटाफट से इसको पानी के ऊपर भी चलाऊंगा और जमीन पे भी मैं आपको चला के बताने वाला हूँ। तो अब मैं इसको पानी के ऊपर रखने वाला हूँ, देखते हैं ये तैरती है या फिर डूब जाती है। ओ भाई साहब देखो यार बहुत आराम से पानी के ऊपर ये ठहर चुकी है, अब देखते हैं इसको चला के। गाइस ये तो सच में चल रही है यार पानी के ऊपर, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये पानी पे जरा भी चलेगी क्योंकि ये बहुत भारी भरकम है यार। गाइस देखो 360 डिग्री अब ये घूम चुकी है। अरे यार ये तो बहुत कमाल की चीज है भाई, ढेर सारे व्हील्स लेकर ये कितनी आराम से पानी के ऊपर तैर रही है। तो अब अपनी एम्फीबियस कार ये बड़े झाड़ियों में मैं चलाने वाला हूँ, अब देखते हैं क्या ये एम्फीबियस कार इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में से भी निकल पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि अंदर एंटर हो चुकी है गाइस, अब आएगा एकदम असली वाला मजा, देखते हैं गाइस ये इतनी बड़ी झाड़ी पे से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ भाई झाड़ी ने इसको रोक लिया है, बिल्कुल भी ये आगे नहीं बढ़ पा रही है गाइस। एक काम करते हैं दूसरा रूट लेते हैं। ओ भाई साहब मेरे को नहीं लगता गाइस ये निकलेगी यार, क्योंकि यार इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से देखो ये झाड़ियों के ऊपर से बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं कर पा रही है। अगर गाइस आप ये कार खरीदते हो तो यार बिल्कुल भी इसको झाड़ियों में मत चलाना वरना ये फंस जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स करके मेरे पास लेके आने की कोशिश करता हूँ, बहुत आराम से रिवर्स आ चुकी है। अगर इसके प्लेस में कोई दूसरी कार या
फिर बोट होती तो यार वो फंस जाती पूरी तरीके से। पानी में तो आज इसने कमाल कर दिया था। अब थोड़ा सा इसको ऑफ रोड में भी चला के देखने वाला हूँ। यहाँ पे देखो एकदम चढ़ाई है, ओ माय गॉड, काफी आराम से यहाँ से चढ़ चुकी है। और ये टेरेन बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रास भी है। ओ भाई साहब मजा आ गया यार, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी आराम से ऑफ रोड में भी चलेगी। अब देखो यहाँ पे कीचड़ में चला के देखने वाला हूँ, बहुत ही गंदा सा गहरा कीचड़ है यहाँ पे। कीचड़ में भी आराम से चल रही है, मेरे को तो यार इसने थार की याद दिला दी है। आज तो इसको चला के मजा ही आ गया यार। अब मैं ये एम्फीबियस शार्क को भी पानी में चलाने वाला हूँ। गाइस देखो इसको मैंने फेंक दिया है पानी के ऊपर, बहुत आराम से ये तैर रही है। चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग मेरे को लग रहा है, दो बटन पकड़ना पड़ता है इसको चलाने के लिए। अगर हम लोग एक बटन प्रेस करेंगे तो ये गोल गोल घूमने लगेगी इस तरीके से। अब देखो इसको भी मैं झाड़ियों के अंदर चलाने वाला हूँ, देखते हैं ये झाड़ियों में चल पाती है या नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। ओके गाइस इसको भी झाड़ियों में नहीं चलाना चाहिए यार, देखो ये भी झाड़ में जाकर वहां पर फंस चुकी है पूरी तरीके से। अरे यार ये तो फंस गई है, मैं इसको आगे भी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे भी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये वहां से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही है। मेरे को तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है क्योंकि पानी वहां पे बहुत ज्यादा गहरा है। तो अब ये एट व्हील ड्राइव को ही भेजते हैं अपनी शार्क को रिकवर करने के लिए। देखो टक्कर लगाने वाला हूं मैं इसको। ओ भाई ये देखो गाइस निकल चुकी है अपनी शार्क वहां से पूरी तरीके से, और अपनी एट व्हील ड्राइव एम्फीबियस भी आ चुकी है अपने पास पूरी तरीके से। मेरे को नहीं लगा था ये गाइस ये इसको रिकवर करके इतनी आसानी से लेके आएगी यहाँ तक। अब ये एम्फीबियस कार को मैं पानी पे चलाने वाला हूँ। ये देखो पानी के ऊपर मैंने इसको रख दिया, ये भी बहुत आराम से तैर रही है, अब इसको चलाते हैं गाइस। ओ भाई साहब इतना ज्यादा पानी ऊपर फेंक रही है और बहुत इजीली ये तैर रही है पानी के ऊपर। इसको टर्न करा के लेके आते हैं इस तरफ, गाड़ियों के अंदर ये आ चुकी है आराम से। अब यहाँ पे इसको मैं देखने वाला हूँ। ओ भाई साहब मेरे को नहीं लगता यार ये भी चढ़ेगी क्योंकि इसके व्हील्स काफी बड़े हैं। देखो ओ ये तो पलट गई यार पानी के ऊपर। अच्छा तो ये जो एम्फीबियस कार है दोनों साइड से चल सकती है। ओके गाइस ये देखो झाड़ में फंस गई भाई साहब, इसको जैसे तैसे करके अब मैं निकालने वाला हूँ, देखते हैं निकलती है या फिर फंस जाती है पूरी तरीके से। ओके निकल चुकी है यार। ये एम्फीबियस कार जो है बिल्कुल भी झाड़ियों में चलाने के लिए नहीं बनी होती है, अगर आप इन्हें खरीदते हो तो बिल्कुल भी झाड़ियों में मत चलाना यार। अब देखो मैं ब्लू व्हेल को चलाने वाला हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ यार क्योंकि इसको चलाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसके अंदर तो व्हील्स लगे नहीं है, इसके अंदर होते हैं प्रोपेलर्स। पानी के ऊपर ये बहुत आराम से तैर रही थी। अब देखो यार इसकी जो पूंछ है पूरी की पूरी पानी के अंदर डूब चुकी है। अब इसको झाड़ियों में चला के देखने वाला हूँ, देखते हैं ये चलती है या फिर फंस जाती है। यहाँ पे फंस गई थी, जैसे ही मैंने दोनों ट्रिगर्स को एक साथ प्रेस किया है बहुत आराम से निकल चुकी है क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है, एक फिश की जैसी दिखाई देती है। इस वजह से देखो ये झाड़ियों के नीचे से घुस के निकल रही है, इस वजह से यार ये बिल्कुल भी झाड़ियों में फंसती नहीं है। यहाँ पे तो देखो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, फिर भी अपनी जो व्हेल है बहुत इजीली इतने बड़े बड़े झाड़ियों में से भी तैर के वापस आ चुकी है। अब देखो यार बिल्कुल एक फिश जैसी दिखाई दे रही है ना ये। गाइस अभी के सभी एम्फीबियस कार को मैं ये टावर के ऊपर से पानी के अंदर फेंकने वाला हूँ, देखते हैं गाइस कौन बचता है कौन टूटता है। चलो ये सबसे पहले मैं व्हेल को फेंकने वाला हूँ पानी के ऊपर। ये धड़ाम से गिरी पानी के ऊपर और ये बहुत अंदर तक जा चुकी थी पानी के। अरे यार ओ माय गॉड गाइस, अरे ये क्या हो गया गाइस, ये तो देखो इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल भी चलने लायक बची नहीं है। इसकी तो हालत खराब हो गई यार पूरी तरीके से, अब देखते हैं चल पाती है नहीं। भाई साहब चल रही है पर इसका बैलेंस देखो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब एट व्हील ड्राइव एम्फीबियस कार को पानी के ऊपर मैं फेंकने वाला हूँ। ये देखो गिरी पानी के ऊपर और पानी उछल के इतनी ऊपर तक आ चुका है क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ओ भाई साहब मेरे को लगा था कि इसके व्हील्स टूट जाएंगे पर देखो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। अब ये एम्फीबियस शार्क को मैंने ऊपर से फेंक दिया है, ये बहुत ही हल्की फुल्की सी शार्क है क्योंकि इसके व्हील्स अंदर से खोखले हैं। मेरे को पता था इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भी देखो बहुत आराम से पानी के ऊपर चल रही है इतनी ऊपर से फेंकने के बाद भी। अब मैं रेस कराने वाला हूँ इन दोनों के बीच में, देखते हैं गाइस पानी के ऊपर इन दोनों में से कौन जीतता है रेस को। यहाँ पे दोनों की स्पीड देख सकते हो यार थोड़ी सी स्लो मेरे को लग रही है क्योंकि इन दोनों का वेट बहुत ज्यादा है। अपनी जो एट व्हील एम्फीबियस कार है थोड़ा सा आगे चल रही है, वहीं ब्लेड टैंक बहुत ज्यादा स्लो मेरे को लग रही है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा हार्ड है। क्लियरली यहाँ पे एट व्हील ड्राइव एम्फीबियस कार जीत चुकी है रेस में। अब इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं क्या ये एट व्हील ड्राइव कार एम्फीबियस शार्क को रेस में हरा पाती है या नहीं। क्लियरली यहाँ पे एम्फीबियस शार्क थोड़ा सा आगे निकल गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्की फुल्की और बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर तैर रही है। क्लियरली यहाँ पे एम्फीबियस शार्क जीत चुकी है रेस। ओके अब इन दोनों के बीच में ऑफ रोड में भी रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं यहाँ पे कौन जीता है। पहले तो मेरे
को लगा था कि एम्फीबियस शार्क आराम से जीत जाएगी, पर अपनी जो 8-wheel drive एम्फीबियस कार है ये जमीन पे भी बहुत ऑसम तरीके से चल सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इतने खतरनाक टेरेन में भी बहुत स्पीड से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अपनी एम्फीबियस शार्क को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा हार्ड है ऑफ रोड में। क्लियरली यहाँ पे एम्फीबियस 8-wheel drive कार जीत चुकी है ऑफ रोड रेस में। ओके दोस्तों, अब मैं रेस कराने वाला हूँ आरसी व्हेल वर्सेस एम्फीबियस शार्क के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे आरसी व्हेल बहुत ज्यादा तेज है, अपनी पूंछ को लेफ्ट राइट करके बहुत ज्यादा आगे निकल गई है और ये जीत चुकी है रेस को। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं तो गो फॉर, देखेंगे इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दिया। यहाँ पे 8-wheel drive एम्फीबियस कार पूरी कोशिश कर रही है। मेरे को लगा था कि गाइस ये एम्फीबियस कार आराम से इसको खींच लेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी भरकम है, पर व्हेल ने इसको रोक लिया है पूरी तरीके से। अब इन दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं जमीन पे, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे जैसे ही दोनों के बीच में टक्कर हुई है दोनों ने अपना रूट ही चेंज कर लिया है। एक काम करते हैं, आप कराते हैं तो गो फॉर, आप पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो एम्फीबियस 8-wheel drive 8 wheels होने के कारण इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है। क्लियरली इसने हरा दिया है एम्फीबियस कार को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बार टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं, आप पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। 8-wheel drive कार के व्हील्स रबर के होने के कारण इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है और इसके अंदर 8-8 wheels होने के कारण देखोगे इसको काफी पावर भी मिल रही है। क्लियरली इसने हरा दिया है एम्फीबियस कार को टग ऑफ वॉर में। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतनी ढेर सारी एम्फीबियस कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है दीप, अहमद अली, ताबिन, गर्वित, एमडी चांद, अभिक, रोशन, सांबित, उमेश, फरहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।